नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 14 अप्रैल के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1434 को फ्रांस के विश्वविख्यात सेंट पीटर कैथेड्रल की आधारशिला रखी गई थी। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1563 को सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली पर हुकूमत की लड़ाई में दारा को हराया था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1814 को नेपोलियन को राजगद्दी से हटाया गया था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1849 को यूरोपीय देश हंगरी ने ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1865 को अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की वाशिंगटन के फोर्ड थिएटर में गोली मारकर हत्या हुई थी। दोस्तों आज दिन 14 अप्रैल 1891 को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। दोस्तों आज दिन 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज समुद्र में सफ़र करते समय हिमखंड से टकरा कर डूब गया था। दोस्तों आज दिन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के बंदरगाह में हथियारों से भरे जहाज में विस्फोट हुआ था और 1200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों आज दिन 14 अप्रैल 1981 को पहला अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 में वापस धरती पर लौटा था। दोस्तों आज दिन 14 अप्रैल 1988 को सोवियत संघ पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच अफगानिस्तान संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1995 को यूक्रेन में स्थित चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 2000 तक बंद करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1999 को मलेशिया के अपदस्थ उप प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को भ्रष्टाचार के मामले में छः वर्ष कैद की सज़ा सुनाई गई थी। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 2000 को रूस की संसद में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट टू परमाणु सशस्त्र कटौती संधि का अनुमोदन किया गया था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 1995 को भारत चौथी बार एशिया कप क्रिकेट चैंपियन बना था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 2005 को भारत और अमेरिका ने अपने अपने उड़ान क्षेत्र एक दूसरे की एयरलाइनों के लिए खोलने का समझौता किया था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 2006 को चीन में प्रथम बौद्ध विश्व सम्मेलन शुरू हुआ था। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 2010 को पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड और बिहार में आए चक्रवाती तूफान में लगभग 123 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों आज के दिन 14 अप्रैल 2002 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे का सामना कर रहे साइबेरियाई नेता का निधन हो गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।